Hello friends, I am Dr. Beena Sethi, Associate Professor in Chemistry, and my today's topic is Haworth Projection Formula. Haworth Projection Formula हम क्यों पढ़ते हैं? सबसे पहले हमें यह समझना है, अगर हम Fischer Projection Formula अल्फा और बीटा ग्लूकोज के लिए ड्रॉ करते हैं, अल्फा बीटा ग्लूकोज मीन्स ग्लूकोज में हेमीएसिटल बॉन्ड फॉर्मेशन हो चुका है, हम उसका रिंग स्ट्रक्चर बना चुके हैं। तो रिंग स्ट्रक्चर के लिए जब ये सिक्स मेंबर रिंग होती है तो इसे हम पायरेनोज रिंग कहते हैं, और जब इसके स्ट्रक्चर को इस तरीके से दिखाया जाता है कि एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की और इसके ऊपर चार हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की और हर इंटरसेक्शन किसको बताता है, एक कायरल सेंटर को और नीचे एक sp3 हाइब्रिड कार्बन, ऊपर एक sp2 हाइब्रिड कार्बन जो कि एल्डिहाइड होता है, उसे हम फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला कहते हैं, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला हमें यह तो बताता है कि सिक्स मेंबर रिंग है, OH राइट साइड पे है या लेफ्ट साइड पे है, लेकिन हमें एग्जैक्ट पिक्चर, उनके एग्जैक्ट एंगल कहाँ पे हैं, कितने डिग्री पे हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं देता। इसको देखकर हमें कुछ ऐसा लगता है कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर शायद ऐसा होगा कि एक स्ट्रेट चेन में कार्बन कार्बन होंगे, राइट साइड पे OH, लेफ्ट पे H होगा, या इधर H, इधर OH, इधर H, OH, कुछ इस तरीके का होगा, एक स्ट्रेट चेन होगी। एक्चुअली ऐसा स्ट्रक्चर बिल्कुल भी नहीं होता। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्योंकि ये कार्बन sp3 हाइब्रिड कार्बन है, तो आप sp3 हाइब्रिड कार्बन को कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि एक तरफ H, एक तरफ OH, और ये इसकी बाकी की दो वैलेंसी, जिन्होंने क्या करना है, कार्बन से आगे ऊपर कार्बन से और नीचे कार्बन से बॉन्ड बनाना है। तो अब इसमें अगर ये कार्बन नंबर 1 है, जैसे ये कार्बन नंबर 1, तो इसने पीछे किससे बॉन्ड बनाना है, ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन ने कार्बन नंबर 5 से, तो इसके ये दो OH, दो वैलेंसी पे एक OH होगा और एक H होगा, OH और H, राइट साइड भी हो सकता है, लेफ्ट साइड भी हो सकता है। अच्छा, फिर ये कार्बन नंबर 2 है, तो अगर यहाँ ये ऑक्सीजन से जुड़ रहा है तो यहाँ किससे जुड़ेगा, कार्बन से, तो आपको कुछ इस तरीके की चेन मिलेगी। ये देखो, ये कार्बन हो गया, फिर ये दूसरा कार्बन हो गया, इसमें ये एक यहाँ H होगा, इधर OH होगा, और ये फिर आगे एक कार्बन से जुड़ेगा। तो आप जब इसे जोड़ते जाएंगे तो ऐसी स्ट्रेट चेन नहीं मिलने वाली, बल्कि आपको इस तरीके की रिंग मिलेगी जिसे आप साइक्लिक रिंग कह सकते हो, और ये सिक्स मेंबर्ड रिंग होगी। इस स्ट्रक्चर को देख के हम ऐसा इमेजिनेशन बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि कार्बन कार्बन इस तरीके से अरेंज होंगे, एक्चुअली वो इसी तरीके से अरेंज हैं। तो हावर्थ ने 1926 में अपना एक प्रोजेक्शन फॉर्मूला दिया जिसे हम हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला, तो 1926 में हावर्थ ने अपना एक प्रोजेक्शन फॉर्मूला दिया जिससे हम ग्लूकोज के एक्चुअल स्ट्रक्चर को इमेजिन कर सकते हैं, या वो कैसे ओरिएंटेड है हम उसको इमेजिन कर सकते हैं। इस स्ट्रक्चर में हावर्थ ने ये सजेस्ट किया कि ये जो सिक्स मेंबर रिंग है उसको आप इस तरीके से अरेंज करेंगे जिसमें ये ऑक्सीजन होगी, और इसको आपने हॉरिजॉन्टल इमेजिन करना है, ऐसे वर्टिकल नहीं करना बल्कि हॉरिजॉन्टल करना है, और इसमें जो साइड टुवर्ड्स व्यूअर है, मींस आपकी तरफ है, उसको हम थोड़ा सा थिक बनाते हैं। ये देखो, थोड़ा सा थिक बना दिया हमने, इससे ये पता चलता है कि दिस साइड इज टुवर्ड्स व्यूअर, जो देख रहा है उसकी तरफ है, और दूसरी साइड जिसको थिक नहीं किया, इट इज अवे फ्रॉम यू, आपसे दूर है, वो अवे फ्रॉम व्यूअर है, और इसके राइट कॉर्नर पे हम हमेशा ऑक्सीजन ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट, अब इससे हम क्लॉकवाइज चलते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 5 कार्बन होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, और एक क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। नेक्स्ट, अब इसकी दो वैलेंसी कैसे होंगी, आप देखो कि ये, क्योंकि सारे कार्बन क्या है, टेट्राहेड्रल कार्बन है, तो ये देखो एक वैलेंसी अगर इसकी ऊपर ऑक्सीजन से जुड़ रही है तो दूसरी वैलेंसी किससे जुड़ रही है, नंबर 2 कार्बन से, और ये दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐसे वर्टिकल नहीं है,
वर्टिकल नहीं है, थोड़े से ये एक वर्टिकल है, दूसरा ऐसे बाहर झुका हुआ है, इस तरीके से 109 डिग्री। आप सोचो अगर ये ऊपर है तो ये 90 होगा, तो 109 कहाँ होगा, थोड़ा सा नीचे इस तरीके से होगा, और 180 होगा तो नीचे आएगा। तो ये ऐसे 109 डिग्री पे दो होते हैं। और हमें अब हम इसको में से किसको राइट कहें और किसको लेफ्ट कहें, इसमें आप इसको राइट लेफ्ट कहते हो, लेकिन एक्चुअली क्या वो ऐसे तो होते ही नहीं, मैंने आपको बताया वो ऐसे होते हैं। तो अब इसमें एक ऊपर है और एक थोड़ा सा बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड है, तो इसमें हम किसको राइट कहते हैं, हम इसको इमेजिन करते हैं अपनी तरफ, ऐसे देखते हैं कार्बन को। और हमेशा जो कार्बन नंबर 1 या हायर कार्बन नंबर का प्रायोरिटी का कार्बन है उसको ऊपर इमेजिन करते हैं, जैसे चैन हमेशा ऐसे देखेंगे 1 2 3 4 5 6, मींस 1 ऊपर 2 नीचे 3 नीचे 4 उसके नीचे 5 इसके नीचे, हमेशा तो 1 को ऊपर और 2 को नीचे देखते हुए जब हम इसको देखेंगे, तो आप देखो आपको क्या दिख रहा है, एक लेफ्ट एक राइट दिख रहा है। इसी तरीके से जब ये कार्बन नंबर 2 होगा तो फिर मैं इसको 1 मानूंगी, इसको 3, फिर मैं इसको अपनी तरफ देखूंगी और ये देखूंगी कि ये राइट है या लेफ्ट, ऐसे भी हो सकता है ये और ऐसे भी हो सकता है ये। तो इस तरीके से हम हर कार्बन का क्या करते हैं, राइट और लेफ्ट देख लेते हैं। तो ये राइट और लेफ्ट देख के फिशर ने अपना प्रोजेक्शन फॉर्मूला दिया था, इस फॉर्मूले को हम फिशर का प्रोजेक्शन फॉर्मूला कहते हैं। लेकिन इसको हम जब इसमें कन्वर्ट करते हैं तो इसकी बस वही ट्रिक है, पहले आप एक रिंग बनाइए, रिंग में आप एक लाइन को थिक करिए, थिक करने के बाद आप ऑक्सीजन को रखिए, फिर कार्बन नंबर 1 2 3 लिख दीजिए, 1 2 3 4 5, अच्छा अब 6 मेंबर रिंग बन गई। तो अब इसमें जो ग्रुप्स लेफ्ट साइड पे हैं, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में जो ग्रुप्स लेफ्ट साइड पे हैं, कार्बन नंबर 1 का हाइड्रोजन लेफ्ट है, तो इसको मैं ऊपर ड्रॉ करूंगी, ऊपर लिखूंगी एच, फिर कार्बन नंबर 2 का हाइड्रोजन ऊपर है तो मैं इसको भी अबव द प्लेन ड्रॉ करूंगी, ऐसे ऊपर की तरफ, और अगर वो नीचे है राइट साइड है तो उसको मैं इस तरीके से ड्रॉ करूंगी, प्रोजेक्टेड की तरह से। फिर ये कार्बन नंबर 3 पे OH है, कार्बन नंबर 4 पे हाइड्रोजन है। अब कार्बन नंबर 5 पे क्या है, ध्यान दो, एक हाइड्रोजन है और एक ये CH2OH ग्रुप है, मतलब हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप है, तो इसको हम हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप को ऑलवेज वी हैव टू राइट अबव द प्लेन, इसको हम हमेशा ऊपर लिखेंगे। दिस इज द सजेशन गिवन बाय हावर्थ ओनली, मैंने दे रही है, हावर्थ नहीं दिया था, तो बाकी क्या बचेगा, एक हाइड्रोजन उसको हम नीचे बना देते हैं। तो अब बताओ ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला में लेफ्ट साइड वाले तो आ गए, तो राइट साइड वाले ग्रुप्स कहाँ लगाएंगे, ये जितने भी ग्रुप्स राइट साइड हैं इनको हम बिलो द रिंग प्लेन लगाते हैं, बिलो द रिंग प्लेन, ऐसे नहीं है तो वो ऐसे, बस हम उनको दिखाते ऐसे हैं। तो ध्यान दो इसमें राइट साइड क्या है, OH, फिर यहाँ पे OH, इस पे हाइड्रोजन, इस पे OH, ये हो गया। तो ये आपका फॉर्मूला बना, हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला हमने बनाया, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज। अब देखो इसमें आपको एक एक वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, वाई ओज, ओज क्यों, क्योंकि ये एल्डिहाइडिक से बना है, पायरेनोज क्यों, क्योंकि पायरेन से बना है, इसमें 6 मेंबर रिंग है जो कि पायरेन की रिंग करेक्टरिस्टिक रिंग कहलाती है, तो हम इसको पायरेनोज कहते हैं। ग्लूको क्यों, क्योंकि इसका ग्लूकोज वाला कॉन्फिगरेशन है। अब इसे हम अल्फा और डी क्यों कहते हैं, अल्फा इसलिए कि ये जो न्यूली जनरेटेड काइरल कार्बन है, एल्डिहाइडिक कार्बन हेमी एसिटाइल बॉन्ड बनने से अकायरल हो गया, अब वो काइरल कार्बन हो गया, तो ये जो काइरल कार्बन है इस काइरल कार्बन पे OH अगर राइट साइड है तो हम इसे कहते हैं अल्फा। अल्फा कहां से आया, कार्बन नंबर 1 के कॉन्फिग्रेशन से कि OH राइट पे है। फिर डी कहां से आएगा, डी आएगा लास्ट काइरल कार्बन, ये जो कार्बन नंबर 5 था इसमें एच लेफ्ट है, OH क्या था राइट, जिसने हेमी एसिटाइल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट किया, तो इसीलिए क्योंकि OH राइट है तो हम इसे कहते हैं डी।
तो ये हमारा डायग्राम बनता है अल्फा डी ग्लूको पायरेनोस का हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला. नाउ वी विल सी हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला फॉर बीटा डी ग्लूको पायरेनोस. अब इसमें वन नंबर कायरल का OH ग्रुप लेफ्ट साइड पे है, सो इट इज बीटा. और ये डी रहेगा क्योंकि फाइव नंबर कार्बन का OH राइट साइड पे है. इसका प्रोजेक्शन फॉर्मूला ड्रॉ करने के लिए सेम हम बेंजीन रिंग की तरह से सिक्स मेंबर रिंग ड्रॉ करते हैं. लेफ्ट साइड अपर इस साइड पे अवे फ्रॉम यू जो साइड है, इस साइड के राइट कॉर्नर पे OH लगा देते हैं और जो टुवर्ड्स यू साइड है इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, थिक कर देते हैं. अब इसमें ये कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये हो गया. अब हमें देखो जो लेफ्ट साइड पे ग्रुप्स हैं OH नंबर वन कार्बन पे, ये लेफ्ट है तो अब ये कहाँ आएगा? ऊपर. ओके, फिर ये हाइड्रोजन, तो नंबर टू का हाइड्रोजन अबव द प्लेन होगा, नंबर थ्री का OH अबव द प्लेन होगा, नंबर फोर का हाइड्रोजन. अच्छा, और ये हाइड्रोक्सी मिथाइल हमेशा ही ऊपर होता है तो ये हाइड्रोक्सी मिथाइल ऊपर, और नंबर फाइव पे क्या बचा? हाइड्रोजन, तो इसको हम यहाँ क्या लगा देते हैं? हाइड्रोजन. तो ये सारे वो ग्रुप्स लग गए जो लेफ्ट साइड पे थे. अब हम लगाएंगे जो राइट साइड पे हैं. तो राइट साइड पे देखो पहले पहले हाइड्रोजन है, फिर दूसरे पे हाइड्रोक्साइड ग्रुप है, फिर हाइड्रोजन, नेक्स्ट हाइड्रोक्सिन ग्रुप. तो ये स्ट्रक्चर बनता है बीटा डी ग्लूको पायरेनोस का, बीटा डी ग्लूको पायरेनोस. अब इन दोनों में क्या फर्क है? बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है. कार्बन नंबर वन पे OH अगर अबव द प्लेन है तो बीटा, और अगर बिलो द प्लेन है तो क्या है वो? अल्फा. तो सिर्फ इतने से डिफरेंस से आप कह देते हो कि वो अल्फा डी ग्लूको पायरेनोस है और ये बीटा डी ग्लूको पायरेनोस है. इसका मैं आपको स्क्रीन पे भी अभी दिखाऊंगी कि मॉडल के साथ कि कैसे हम इमेजिन करते हैं एक्चुअली ग्लूकोज कैसे दिखता है. एंड आई होप यू विल एंजॉय इट अलॉट. और उसके बाद हम देखेंगे कन्फर्मेशंस ऑफ ग्लूकोज. ये है ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर जिसमें ये नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ब्लैक एटम्स कार्बन को डिनोट कर रहे हैं, ऑक्सीजन को रेड एटम्स डिनोट कर रहे हैं और हाइड्रोजन को वाइट एटम्स डिनोट कर रहे हैं. आप देख सकते हैं कि कार्बन कार्बन चेन दैट मच स्ट्रेट नहीं है जैसा कि हम फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला से इमेजिन करते हैं कि कार्बन कार्बन की चेन स्ट्रेट है. एक्चुअली वो जिगजैग होती है और 109 डिग्री पे होती है. अब इसमें हम कार्बन नंबर टू के H और OH का कॉन्फिग्रेशन देखें तो वो राइट पे OH है और H लेफ्ट पे है, और कार्बन नंबर थ्री का देखेंगे अगर हम तो उसमें हमें कार्बन नंबर थ्री को अपने सामने लाना पड़ेगा, तो कार्बन नंबर टू और फोर को नीचे रखना पड़ेगा. तो ये देखिए कार्बन नंबर थ्री के ऊपर OH लेफ्ट पे है, हाइड्रोजन राइट साइड पे है. अब अगर हमें कार्बन नंबर फोर का कॉन्फ़िगरेशन देखना है कि OH और H का कॉन्फ़िगरेशन कहाँ है, तो हम कार्बन नंबर फोर को सामने लेके आएंगे अपने और थ्री और फाइव को नीचे रखेंगे, तो हम देखते हैं कि राइट साइड पे OH है और लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन है. सिमिलरली हम कार्बन नंबर फाइव का अगर देखना चाहते हैं तो हम फोर और सिक्स को नीचे रखेंगे तो और फाइव को अपने सामने रखेंगे तो हम देखते हैं कि राइट पे OH है और लेफ्ट पे हाइड्रोजन है. इट मीन्स कि ये आपका डी ग्लूकोज है और डी ग्लूकोज में कार्बन नंबर फाइव पे राइट साइड पे OH होता है, और ये कार्बन नंबर सिक्स देखो sp3 हाइब्रिड है, इसमें दोनों की दोनों वैलेंसी पे हाइड्रोजन है और नीचे थर्ड वैलेंसी पे हाइड्रोक्साइड है, तो इसीलिए ये काइरल कार्बन नहीं है, ये अकाइरल कार्बन है. इसके कारण इसका कोई कॉन्फिग्रेशन हम डिसाइड नहीं कर सकते. तो इसमें हमें मॉडलिंग देखने पर पता चलता है कि कार्बन कार्बन की चेन ग्लूकोज में स्ट्रेट चेन नहीं है, इस तरीके से जिगजैग चेन है जिसमें कार्बन 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 बॉन्ड एंगल 109 का है. अगर स्ट्रेट चेन होती तो बॉन्ड एंगल कितने का होता? 180 का होता. तो इसलिए फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला से हमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की सही इमेज नहीं मिलती, ये उसकी
मिरर इमेज अब मैं आपको दिखा रही हूँ डी ग्लूकोज की, जिसमें सारे की सारे कार्बन जो कायरल कार्बन है उनका कॉन्फ़िगरेशन अब रिवर्स है, जैसे कि आप उसको मिरर में देख रहे हो। तो अब सबसे पहले आप फोकस करेंगे कार्बन नंबर 1, तो देखिए एल्डिहाइड ग्रुप है कि उसके ऊपर डबल बॉन्ड ओ और हाइड्रोजन ही है, ये प्लेनर कार्बन है। लेकिन कार्बन नंबर 2 के ऊपर अगर हम फोकस करते हैं, यस कार्बन नंबर 2 में ये देखो लेफ्ट पे OH है और हाइड्रोजन राइट पे है। कार्बन नंबर 3 में, अब 3 को मैं इसको रोटेट कर रही हूँ बिल्कुल अपने सामने लेके आ रही हूँ, तो कार्बन नंबर 3 में देखो राइट पे OH है। इसका कॉन्फ़िगरेशन देखना है तो पहले आपको ऊपर वाला कार्बन और नीचे वाला यानी कि 2 और 4 को आपको नीचे रखना पड़ता है, और 2 को ऊपर 4 को नीचे, और इनको अपने सामने की तरफ प्रोजेक्टेड करते हैं, तब हम डिसाइड करते हैं कि वो राइट पे है या लेफ्ट पे। अभी जैसे बैक साइड पे है तो अब मैं उसको प्रोजेक्ट नहीं करूँगी, अब मैं कार्बन नंबर 4 का प्रोजेक्शन मेरी साइड है तो मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन देखूँगी कि ये लेफ्ट पे OH है और राइट पे हाइड्रोजन है। अब मुझे अगर 5 का कॉन्फ़िगरेशन देखना है तो मैं पहले 5 के दोनों वैलेंसी को अपनी साइड प्रोजेक्ट करूँगी, OH लेफ्ट पे है हाइड्रोजन राइट पे है, तो ये क्या हो गया एल ग्लूकोज हो गया। आपने देखा जब OH लेफ्ट पे होता है 5 नंबर कार्बन पे तो हम उसे क्या कहते हैं एल ग्लूकोज कहते हैं। हियर वी कैन कंपेयर डी एंड एल ग्लूकोज विच आर अपोजिट टू ईच अदर। नाउ दिस इज द हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इन विच देयर इज पाइरेनोज रिंग मीन्स 6 मेंबर रिंग एंड ऑक्सीजन इज अवे फ्रॉम द व्यूअर्स साइड राइट कॉर्नर। हमेशा 6 मेंबर रिंग बनाने के बाद हम ऑक्सीजन को अवे फ्रॉम व्यूअर रखते हैं, और किसी भी कार्बन का अगर हमें कॉन्फ़िगरेशन देखना है तो पहले हम उसे अपने सामने लेके आते हैं। जैसे नंबर 1 की प्रोजेक्टेड वैलेंसी को अपने सामने लेके आई तो लेफ्ट साइड पे OH था, कार्बन नंबर 2 में देखो राइट साइड पे OH है, कार्बन नंबर 3 को अगर देखना है तो मुझे इसको अपने सामने लाना पड़ेगा, लेकिन इस तरीके से नहीं, मुझे इसको ऑक्सीजन को ऊपर रखना होगा। कार्बन नंबर 4 में अगर मैं इसको ऊपर रखूँगी तो मतलब 3, 4, 5 ऐसे हमने ऊपर से नीचे चेन लेके आनी है, 3, 4, 5 तो 4 पे मेरा OH राइट साइड पे आएगा। तो इस तरीके से 5 को हम देख रहे हैं कि वो डायरेक्टली अटैच्ड है ऑक्सीजन से, और 5 नंबर कार्बन पर ही हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप 6 जुड़ा हुआ है। आप इसको किसी भी एंगल से देखो ये फिशर प्रोजेक्शन की तरह से बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक रिंग स्ट्रक्चर है। तो फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला कन्वीनियंट तो है लेकिन वो हमें एग्जैक्ट पिक्चर ऑफ ग्लूकोज नहीं देता, जितनी कि ज़्यादा एग्जैक्ट पिक्चर हमें हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला से मिलती है। अब क्योंकि इसमें OH लेफ्ट साइड पे है 1 नंबर कार्बन पे, तो हम इसे कहते हैं बीटा डी ग्लूकोज। सेम पैटर्न से कार्बन नंबर 2 का कॉन्फ़िगरेशन भी देखा जा सकता है, मैं इसको अपनी तरफ प्रोजेक्ट करूँगी तो और 1 को ऊपर की तरफ 3 को नीचे की तरफ रखूँगी तो OH राइट साइड पे आएगा। सिमिलरली आई कैन विजुअलाइज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन नंबर 3 इन, अगर मैं 2 को ऊपर और 4 को नीचे रखूँगी तो मेरे को OH राइट साइड पे मिलता है। तो इस तरीके से मैं कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 सबको विजुअलाइज 1 by 1 कर सकती हूँ, हमेशा लेस नंबर वाले कार्बन को ऊपर और मोर नंबर वाले कार्बन को नीचे रखना, ग्रेटर नंबर वाला ऑफ कार्बन हमेशा नीचे रहेगा। ये कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 एंड 5, 5 कार्बन अटैच्ड है ऑक्सीजन से। और इसमें ध्यान दो कि इस स्ट्रक्चर में अब आप देखो कार्बन नंबर 1 की दोनों वैलेंसी को अपनी तरफ प्रोजेक्ट करके अगर हम देखें तो OH राइट साइड पे है, इट मीन्स ये अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज रिंग है। जब OH राइट साइड पे होगा तो ऑलवेज अल्फा। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि ग्लूकोज में क्या इस तरीके की प्लेनर रिंग पॉसिबल है इस तरीके से। यहाँ देखो कार्बन 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 में कितने डिग्री का एंगल है, 120 डिग्री का, जबकि एंगल होता कितने का है, 109 डिग्री का, क्योंकि ये सारे कार्बन क्या हैं, sp3 हाइब्रिड कार्बन है। तो एक्चुअली जो कार्बोहाइड्रेट में 6 मेंबर्ड रिंग होती है वो हेक्सागोनल तो होती है लेकिन वो इतनी प्लेनर नहीं होती, मीन्स 6 मेंबर्ड रिंग तो होती है लेकिन वो प्लेनर नहीं होती।
वो कैसी होती है? वो होती है चेयर फॉर्म में। आप जानते हो जैसे साइक्लोहेक्सेन की हम चेयर फॉर्म बनाते हैं, सेम ग्लूकोज की ये जो सिक्स मेंबर रिंग है ये भी ऐसे चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म दोनों में एग्जिस्ट करती है, लेकिन चेयर फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है, इसलिए मोस्टली ग्लूकोज चेयर फॉर्म में ही मिलता है। अब हम हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला को ग्लूकोज के एग्जैक्ट कन्फर्मेशन में कैसे कन्वर्ट करें, इसकी क्या ट्रिक होती है, तो इसको ध्यान से समझो। पहले हम दो चेयर फॉर्म बना देते हैं, ये एक अल्फा के लिए बना रही हूं मैं और दूसरी ड्रॉ कर रही हूं मैं बीटा के लिए। अब आप जानते हो हर चेयर फॉर्म में, जैसे अगर ये कार्बन था, ये रिंग थी, तो इसमें अगर आपने ये एक कार्बन लिया ऐसे लगा दिया एक कॉर्नर पे, एक ऊपर आएगा वर्टिकल, दूसरा आउटसाइड टुवर्ड्स यू ऐसे प्रोजेक्टेड होगा, ऐसे नहीं होगा, वर्टिकल नहीं होगा, इससे वर्टिकल नहीं होगा ना, इसके लीनियर होगा, ये ऐसे 109 डिग्री पे होगा। तो एक कार्बन में हम कहते हैं कि एक्सियल ऊपर है, ये इक्विटोरियल कहलाता है, इक्विटोरियल नीचे है। दूसरे में हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि एक्सियल जो वैलेंसी है वो नीचे है वर्टिकल, ऐसे नीचे वर्टिकल है और दूसरी वैलेंसी ऊपर की तरफ ऐसे टुवर्ड्स यू प्रोजेक्टेड है। तो आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि एक कार्बन पे अगर वर्टिकल, ये एक्सियल हाइड्रोजन वर्टिकल है ऐसे सीधा प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इसकी इक्विटोरियल हाइड्रोजन ऐसे प्रोजेक्टेड होती है डाउनवर्ड आउटसाइड। दूसरे कार्बन पे एक्सियल हाइड्रोजन वर्टिकल होती है बॉटम से और एक्सियल हाइड्रोजन आउटसाइड होती है ऊपर की तरफ, ऐसे बाहर प्रोजेक्टेड होती है। तीसरे पे फिर एक्सियल नीचे होती है और ये प्रोजेक्टेड होती है, ऐसे अल्टरनेट चलता है। तो ध्यान दो, पहले मैं सिर्फ एक्सियल हाइड्रोजन ड्रॉ कर रही हूं, तो ये आपकी ऑक्सीजन आप इस कॉर्नर पे ड्रॉ करेंगे, इसमें भी ऑक्सीजन आप इस कॉर्नर पे ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट ये आपका कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे होगा। अब मैं इन पांचों कार्बन की एक्सियल और इक्विटोरियल हाइड्रोजन में, सिर्फ एक्सियल देखो इसकी डाउनवर्ड है तो इसकी एक्सियल हाइड्रोजन अपवर्ड होगी, फिर इसकी डाउनवर्ड होगी और इसकी अपवर्ड होगी, फिर इसकी डाउनवर्ड होगी। तो ये मैंने कौन सी वैलेंसी दिखाई है, एक्सियल वैलेंसी दिखाई है। नेक्स्ट अब इसमें ये डाउनवर्ड होगी, ये अपवर्ड होगी, ये डाउनवर्ड, ये अपवर्ड, ये डाउनवर्ड होगी। अब हम ड्रॉ करेंगे इक्विटोरियल वैलेंसी। इक्विटोरियल में ध्यान दो कि ये जो कार्बन नंबर 1 है इसकी 6 की तरफ टुवर्ड्स होगी ऐसे, तो ये इसकी इक्विटोरियल हो गई, 2 की 1 की तरफ होगी, तो 2 टुवर्ड्स 1 ऐसे प्रोजेक्टेड होगा और ये इसकी इक्विटोरियल होगी। 3 और 4 की एक दूसरे की तरफ ऐसे, ये एक दूसरे की तरफ, ये इसकी दो इक्विटोरियल हो गई। 5 की 4 की तरफ होगी, तो ये 5 की 4 की तरफ इक्विटोरियल हो गई। तो ये मैंने एक्सियल ग्रीन कलर से और इक्विटोरियल रेड कलर से वैलेंसी को ड्रॉ किया है। नेक्स्ट अब मैं इसकी इक्विटोरियल ड्रॉ करूंगी, तो इसकी ऑक्सीजन की तरफ, इसकी नंबर 1 की साइड और इन दोनों की टुवर्ड्स ईच अदर एक दूसरे की तरफ होगी, इसकी कार्बन नंबर 4 की तरफ होगी। तो मैंने आपको ये तो बता दिया कि वैलेंसी यहां है। अब आपको ये देखना है हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप कैसे अरेंज करने हैं। आप जानते हो आपने जो अबव द प्लेन लगाए थे ग्रुप, ये सारे कैसे लगाए थे, लेफ्ट साइड वाले, जो फिशर प्रोजेक्शन में लेफ्ट साइड थे ग्रुप आपने उनको अबव द प्लेन रखा था। जैसे ये कार्बन नंबर 1 था, ये कार्बन नंबर 2 का था, ये कार्बन नंबर 3, ये 4 और ये आपका 5 ये था, तो आपने लेफ्ट साइड वाले ऊपर रखे थे, हाइड्रोजन फिर हाइड्रोजन फिर ये हाइड्रोक्साइड फिर हाइड्रोजन और इसमें कार्बोक्सिल मिथॉक्सी सॉरी हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप को आपने ऊपर रखा था, ये किया था आपने। अब हम अल्टरनेट करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, अल्टरनेट करने वाले हैं। नाउ वी विल कन्वर्ट दिस स्ट्रक्चर और दिस स्ट्रक्चर इनटू कन्फर्मेशन ऑफ ग्लूकोज।
इसको जब हम इसमें कन्वर्ट करेंगे तो ध्यान दो जो आपकी अबव द प्लेन थी वैलेंसी जो भी थी, यहाँ अबव द प्लेन हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोक्साइड है, यहाँ हाइड्रोजन है, इनको एक बार आप एक्सियल पे रखेंगे, दूसरी बार आप इक्विटोरियल पे रखेंगे। तो देखो सबसे पहले नंबर वन लेफ्ट साइड है, ये नंबर वन अबव द प्लेन है, एक ही बात है, आप चाहे अबव द प्लेन ले लो चाहे आप लेफ्ट साइड से ले लो। इसको मैंने सबसे पहले रखा एक्सियल, तो ये सॉरी इक्विटोरियल, तो ये आपका आ गया इक्विटोरियल पे। तो अब दूसरा लेफ्ट साइड मैं कहाँ रखूंगी, एक्सियल पे रखूंगी। ये मैंने इक्विटोरियल पे रखा है तो ये मैं एक्सियल पे रखूंगी, ये मैंने इक्विटोरियल पे रखा है तो ये मैं एक्सियल पे रखूंगी, ये एक्सियल हाइड्रोजन हो गया। अब फिर मैं इसको कहाँ रखूंगी, इक्विटोरियल पे, इक्विटोरियल पे, तो इक्विटोरियल कौन सी है, ये वाली वैलेंसी है, तो इक्विटोरियल पे मैंने लगा दिया, इक्विटोरियल पे OH ग्रुप। नेक्स्ट इसको मैं एक्सियल पे रखूंगी, इस हाइड्रोजन को मैं कहाँ रखूंगी, एक्सियल पे, तो ये हाइड्रोजन एक्सियल पे आ गई। अब ये कार्बन नंबर फाइव, कार्बन नंबर फाइव पे हमेशा जो ये नीचे वाला CH2OH ग्रुप है इसको हम हमेशा ऊपर दिखाते हैं, तो यहाँ ध्यान दो ये आपका CH2OH होगा तो ये आपका क्या होगा, हाइड्रोजन। तो ये आपने कौन से ग्रुप्स लगा दिए, जो फिशर प्रोजेक्शन में लेफ्ट साइड थे या हावर्थ प्रोजेक्शन में अबव द प्लेन थे। आप दोनों में से किसी से भी कन्फर्मेशन को ड्रॉ कर सकते हो, सिर्फ यही ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग आपकी इक्विटोरियल से होगी, एक बार इक्विटोरियल, एक बार एक्सियल, एक बार इक्विटोरियल, एक बार एक्सियल, ऐसे। अब आपने राइट साइड वाले ग्रुप्स को लगाना है, राइट पे यहाँ OH था, इसमें H था, सॉरी OH था, इसमें H था, फिर यहाँ OH और यहाँ O था जो कि ऊपर चला गया। तो सबसे पहले राइट पे क्या है, OH, जिसको आपने यहाँ नीचे दिखाया था, तो ये OH, फिर यहाँ पे क्या है, दोबारा OH, तो ये हो जाएगा दोबारा से OH, फिर हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद फिर OH, तो ये आपका हो गया OH, ओके। तो ये आपका स्ट्रक्चर बन गया, कन्फर्मेशनल स्ट्रक्चर बन गया अल्फा ग्लूकोज का। तो आप ध्यान दो अल्फा ग्लूकोज में OH कहाँ है, एक्सियल पोजिशन पे है। नेक्स्ट अगर मैं बीटा ग्लूकोज का बनाऊं तो बीटा डी ग्लूकोज में बाकी सब कुछ तो ऐसे के ऐसे रहने वाला है, तो मैंने इसको एस सच लिख दिया CH2OH, ये हाइड्रोजन, फिर यहाँ हाइड्रोजन, ये OH, OH, यहाँ हाइड्रोजन, फिर यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोक्साइड। अब इसमें हाइड्रोक्साइड यहाँ होगा और हाइड्रोजन इधर होगा, ओके। तो ये अल्फा का और ये बीटा का कितना सा फर्क है, सिर्फ एक्सियल और इक्विटोरियल का है, और इसी के कारण इतना चेंज आ जाता है कि रूम टेम्परेचर पे अगर आप डी ग्लूकोज लेके चल रहे हैं, डी ग्लूकोज, तो डी ग्लूकोज में आप देखेंगे 64% बीटा फॉर्म है। कौन सी, बीटा फॉर्म, बीटा फॉर्म में OH कहाँ पे है, इक्विटोरियल पे, इट मीन्स इट इज मोर स्टेबल, और 36% है अल्फा फॉर्म, इट मीन्स ये वाली थर्मोडायनेमिकली लेस स्टेबल है। अब हमें कारण भी बताना होगा व्हाई बीटा की परसेंटेज ज्यादा है और अल्फा की परसेंटेज कम है। ध्यान दो क्योंकि ये एक्सियल पोजीशन पे है C1 कार्बन और ये C3 का एक्सियल, ये हाइड्रोजन इधर और C5 का हाइड्रोजन, ये एक ही प्लेन में है, एक ही प्लेन में पास पास होने से इनके बीच में रिपल्सिव इंटरेक्शन होते हैं। मींस एक्सियल C1 का एक्सियल हाइड्रोक्साइड इंटरेक्शन करता है C1 और C5 एक्सियल हाइड्रोजन से, ये रिपल्सिव इंटरेक्शन होता है और ये इसकी एनर्जी को इंक्रीज कर देता है। अच्छा अगर हम बीटा की बात करें तो बीटा में तो यहाँ पे क्या है, OH इक्विटोरियल है, ये एक्सियल है ही नहीं कि इससे इंटरेक्शन करे, तो ये हाइड्रोजन 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 में जो इंटरेक्शन है ये बहुत कम है, तो इसीलिए बीटा फॉर्म इज मोर स्टेबल
देन अल्फा फॉर्म, और इनके बीच में हमेशा क्या रहता है, एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश रहता है. बीटा गेट कन्वर्टेड इनटू अल्फा एंड अल्फा गेट कन्वर्टेड इनटू बीटा. और एक्चुअल जो ग्लूकोज है रियलिटी में वो ना तो फिशर के जैसा है ना वो हवर्थ के जैसा है, वो ऐसा है, उसकी कन्फर्मेशंस ऐसी होती हैं. तो हमारे को क्लियर होना चाहिए कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के एक्चुअल शेप, एक्चुअल पिक्चर क्या है, वो ऐसी होती है जिसको हम फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हावर्थ और फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं. और इसकी परसेंटेज होती है 64 और इसकी परसेंटेज होती है 36. सो दिस वाज ऑल अबाउट हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ अल्फा डी एंड बीटा डी ग्लूकोज. सिमिलरली फॉर ऑल अबाउट कन्फर्मेशंस ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज. थैंक यू.